हेलो हाय गाइस एवरीवन, ये फ़ोन है वीवो का V25। अभी न्यू फ़ोन आया V25 Pro, और ये V25 है, 8 GB 128 GB इसके अंदर है, रैम वाला सिस्टम आया है और फ़ोन बहुत अच्छा है एकदम। ये करीबन 25 27 28 की रेंज के अंदर फ़ोन है, 28,000 की इसकी मार्केट प्राइस चलती है। और ये देखो फ़ोन लुक के अंदर बहुत एकदम शानदार और अच्छा फ़ोन है, और मैं इसको फ़ोन को आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। फ़ोन बहुत ज़ोरदार फ़ोन है एकदम, अभी न्यू न्यू लेटेस्ट फ़ोन है वीवो का V25। और इसके अंदर क्या क्या देखो, अबाउट फोन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोसेसर बहुत अच्छा है उसमें, डायमंड सिटी है 900 का, और उसमें 8 GB 128 GB रैम आता है, और 8 GB उसमें एक्सटेंड रैम सिस्टम आता है। जैसे 4 आता था पहले, अभी उसमें 8 दे दिया कंपनी ने, 8 + 8 16 GB रैम हो जाएगी। और फ़ोन लुक के अंदर बहुत अच्छा है और बहुत ज़ोरदार फ़ोन लग रहा है, और उसकी शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त है। देखो पीछे का आपको मैं सारा सारा दिखाता हूँ, पीछे के 3 कैमरे हैं प्लस फ्लैश लाइट है पीछे का, बहुत एकदम भाग बहुत अच्छा है। और टाइप सी उसके चार्जर है, और ये स्पीकर है, और यहाँ पे सिम कार्ड का है, और यहाँ प्लस माइनस के हैं, ये ऑन ऑफ का स्विच है, और ये बाजू में प्लस माइनस के हैं। आगे का कैमरा प्लस स्पीकर, और इन डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर आती है फ़ोन के अंदर, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आएगा, और फ़ोन लुक में बहुत एकदम शानदार है। और ये एसेसरी के साथ में, फुल किट के साथ में फ़ोन बहुत ही अच्छा है, किसी को चाहिए तो एक बार मेरे को बताना। और लुक में भी बहुत जो शानदार फ़ोन कंपनी ने बनाया है, और ये 27 27 की रेंज के अंदर, इसके अंदर एक प्लास्टिक का कवर आता है, 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर आता है अडेप्टर के साथ में, और बुकलेट आती है कंपनी की। फ़ोन बहुत लुक में बहुत एकदम अच्छा है और शानदार फ़ोन है, किसी को भी चाहिए तो एक बार मेरे को ज़रूर बताना। अब अपने इसका मैं पूरा पूरा आपको दिखाऊंगा वीडियो के, एक बार अंत तक जरूर रहना। क्या प्रोसेसर है, कितना MAH की बैटरी है, क्या क्या है उसके अंदर। 44 वोल्ट का चार्जर आता है और 45 mAh की बैटरी आती है, 45 mAh की उसके अंदर बैटरी आती है, और 44 वोल्ट का टाइप सी के साथ में फास्ट चार्जर आता है। टाइप सी भी साथ में इसके एयरफोन भी है, एयरफोन भी टाइप सी के आएगा, क्यों अलग से नहीं आएगा उसके अंदर दिया हुआ है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ गया, एमोलेड डिस्प्ले, डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट आ जाता है, और फ़ोन लुक में बहुत एकदम अच्छा है। और उसमें मैंने आपको प्रोसेसर बताया, डायमंड सिटी 900 करके बहुत अच्छा आता है, उसके अंदर PPI है वो 409 की आती है, बहुत अच्छा फ़ोन एकदम क्लासिक होगा, और स्पीड में बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्रोसेसर बहुत अंदर अच्छा आ गया है इसके वजह से। और 8 GB 128 GB रैम है, 8 GB + एक्स्ट्रा रैम वाला सिस्टम है उसके अंदर, और उसके जो पीछे के कैमरे हैं वो 64 का या 8 का है, और ये 2 का है, ये 64 का आता है, ये 8 का आता है, 2 का, और LED फ्लैश के साथ में है, और उसके अंदर 4K में वीडियो बनेगा, 4K में 3 GPS के साथ के अंदर, 3 GPS के साथ एकदम 4K में इसके अंदर बहुत अच्छा वीडियो बनेगा। और उसके अंदर आगे की सेल्फी 50 की आती है, 15 की है, और पीछे के 64 का है, कैमरा भी बहुत अच्छा है, और लुक वाइज में भी फ़ोन बहुत एकदम शानदार कंपनी ने बनाया, और इस प्राइस के अंदर तो ये फ़ोन बहुत तारीफ़ी है, क्योंकि इतनी रेंज के अंदर बाकी कंपनियों से कई कंपनी में गुणा में ज़्यादा ये बहुत अच्छा फ़ोन है। और प्रोसेसर वाइज सिस्टम वाइज देखा जाए तो फ़ोन बहुत लुक में बहुत शानदार है, उसके कैमरा क्वालिटी भी बहुत ज़ोरदार है, मैं आपको देखो कैमरा से वीडियो के साथ में भी दिखाता हूँ तो कितना इसका शानदार इसका वीडियो भी बनता है, कैमरा भी क्वालिटी, और फ़ोन लुक में बहुत अच्छा है, किसी को चाहिए तो आप एक बार ज़रूर बताना। मेरे पास में नए पुराने हमेशा फ़ोन आते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आते हैं और अच्छे अच्छे रेट के अंदर आते रहते हैं, किसी को चाहिए तो एक बार ज़रूर बताना। और उसके सिस्टम बहुत अच्छे हैं, कैमरे भी बहुत ज़ोरदार है 64 का, और सेल्फी 15 की है, और 44 वोल्ट का फास्ट चार्जर आ गया, प्लस 8 GB + 8 GB एक्स्ट्रा रैम वाला भी सिस्टम इसके अंदर आ गया कंपनी ने दे दिया, तो बहुत ही फ़ोन लुक में। और इसके कलर बहुत अच्छा है, ब्लू और ब्लैक दो कलर में आता है, ये ब्लू कलर है, शाइनिंग ब्लू में आता है, बहुत ज़ोरदार है, और लुक में तो बहुत खतरनाक फ़ोन को बनाया है। अदरवाइज़ भी मेरे पास फ़ोन बहुत नए और पुराने आते रहते हैं, और ये वीवो का V25 5G फ़ोन है, और बहुत लुक में भी अच्छा है, इस प्राइस में तो बहुत ज़बरदस्ती फ़ोन है, किसी को चाहिए तो एक बार आप ज़रूर मेरे को बताना। प्रोसेसर वाइज फ़ोन है, गेमिंग वैसे भी फ़ोन, टर्बो फ़ोन भी बोला जाता है, और हैंडसेट लुक के अंदर और फिटनेबल है, उसकी जो साइज़ है डिस्प्ले की वो भी अच्छी है, 6.5 इंच की करीबन साइज़ है, और बहुत अच्छा है लुक में भी फ़ोन, और उसका प्रोसेसर वगैरह तो बहुत शानदार है, क्योंकि उसमें प्रोसेसर भी 900 तक दे दिया डायमंड सिटी का, तो प्रोसेसर कम नहीं, बहुत अच्छा प्रोसेसर उसके अंदर कंपनी ने दे दिया है। और सेल्फी कैमरा भी बहुत शानदार है, और उसमें दोनों सिम कार्ड प्लस मेमोरी कार्ड का भी सिस्टम आ गया है, और 6.544 इंच की एमोलेड डिस्प्ले आ गई है, और मीडिया टेक डायमंड सिटी 900 प्रोसेसर भी है, बट फ़ोन लुक में भी बहुत अच्छा एंड्रॉयड 12 आ गया है, और फ़ोन एकदम बहुत शानदार है और क्लासिक फ़ोन है, और बाकी फ़ोन में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इस रेंज के हिसाब से तो फ़ोन बहुत ख़तरनाक और ज़बरदस्त फ़ोन है, किसी को चाहिए तो एक बार ज़रूर मेरे को बताना। और मेरे पास नए पुराने फ़ोन आते रहते हैं हमेशा, अच्छे अच्छे भाव में और अच्छी अच्छी रेट के अंदर, एक्सचेंज भी अवेलेबल है, आपको किसी को भी एक बार फ़ोन चाहिए तो एक बार मेरे को ज़रूर बताना। फ़ोन बहुत शानदार है लुक के अंदर, और आप देखो फ़ोन को तो